सो हैव यू वन वेलकम बैक टू माई चैनल एंड दिस वीडियो इज़ अबाउट वर्क रिलीजियस एलग्री जिसका नाम है पिलग्रम्स प्रोग्रेस और इसे लिखा था जॉन बनियन ने तो इनका ये वर्क बहुत फेमस है बहुत ही इंटरेस्टिंग है पर अगर आप इसका टेक्स्ट पढ़ते हो तो बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है वो क्योंकि टोटल आई थिंक फोर हंड्रेड पेजेस का वर्क है फोर हंड्रेड पेजेस में छोटी सी कहानी को बस खींचे जा रहे हैं खींचे जा रहे हैं और इसमें बहुत ज़्यादा कैरेक्टर है लाइक बल्क ऑफ कैरेक्टर्स हैं इसमें नियरली थर्टी फोर्टी से ज़्यादा ही कैरेक्टर हैं आ रहे हैं जा रहे हैं तो ये वीडियो इसीलिए है क्योंकि पढ़ने के बाद एटलीस्ट इतना है कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ आपके लिए कोई चीज़ हेल्पफुल रहे आपको एटलीस्ट पूरा ना पढ़ना पड़े एक आइडिया आपको मिल जाए उसके बाद आप उसे पढ़ सकें तो स्टार्टिंग में पत, आपको ये पता होगा कि जो जॉन बनियन थे इनका जो गॉड पर बिलीव था वो बिल्कुल भी नहीं था मतलब ये बहुत ज़्यादा चाइल्डिश बिहेव करते थे हर बात पे गॉड को स्वैयर करते थे भगवान की गज़म खाते थे क्योंकि इनका बिलीव नहीं था उनके ऊपर लेकिन उनके बाद जब ये आर्मी में गए हुए थे तो उस टाइम पे इनका जो एक बहुत ही क्लोज एनकाउंटर था डेथ के साथ वो वहाँ से बच के निकल आए एंड देन इनकी जो शादी थी वो एक रिलीजियस वुमेन के साथ हो गई तो उसके बाद जो उनकी सोल थी हम बोल सकते बहुत ज़्यादा पायस थी पवित्र थी उसके बाद इनका जो एटीट्यूड था धीरे धीरे बदलने लग गया और उसके बाद ये यहाँ वहाँ लोगों को प्रीच करने लग गए सब रिलीजियस वर्क समझाने लग गए हालांकि उस टाइम पे बिना लाइसेंस के ऐसा कोई कर नहीं सकता था एंड ऑब्वियसली इनके पास लाइसेंस नहीं था प्रीच करने का प्रीचिंग करने का देन इन्हें अरेस्ट कर लिया गया अब इन्हें अरेस्ट कर लिया तो ये जेल में थे और वहाँ पर जेल में रहते टाइम इन्होंने बहुत सारे इनके इम्पोर्टेंट इम्पॉर्टेंट वर्कस को लिखा है जिनमें से ये वर्क भी आता है अब बात होती है कि आलगिरी क्या है अलगिरी होता है कि एक नॉर्मल से एक कहानी चलेगी लेकिन उस कहानी के नीचे जो मेन मुद्दा है वो आएगा जैसे कि इसमें जो मेन कैरेक्टर है उसका नाम क्रिश्चियन है अब क्रिश्चियन कोई आदमी का नाम इसमें दिखा रखा है लेकिन क्रिश्चियन क्या है इसमें जो रिलीजियस चीज़ें हैं क्रिश्चियनिटी को जो फॉलो कर रहे हैं उसके बारे में इसमें हर एक बंदे का नाम जो है कैरेक्टर का जो नाम है वो ऐसा ही है जैसे कि गुड विल है गुड विल क्या होती है किसी भी पर्सन की गुड विल हो सकती है लेकिन उसमें ह्यूमन का फॉर्म दे रखा है उस इंसान का फॉर्म दे दिया है उस आपकी एक क्वालिटी को तो इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो पब्लिश हुआ था सिक्सटीन सेवेंटी में और जो इसका सेकंड पार्ट आया था वो 1684 में आया था और उन्होंने अपनी ये जो इसका मॉडल है इस वर्क का इन्होंने अपनी एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस था उसी के ऊपर इन्होंने लिखा है जैसे कि मैंने बताया था कि ये पहले बिल्कुल भी इनमें इंटरेस्टेड नहीं थे गॉड बिलीव नहीं करते थे बट लास्ट में इन्होंने स्टार्ट कर दिया था तो उसी तरीके से इन्होंने अपने इस वर्क को भी स्टार्ट किया है फर्स्ट जो पार्ट है मैं इस वीडियो में उसी को कवर करूँगी क्योंकि फर्स्ट पार्ट ही लगा हुआ है सिलेबस में अगर आप देखोगे तो जो डी का सिलेबस है उसमें फर्स्ट पार्ट ही लगा हुआ है और फर्स्ट पार्ट ही इतना लंबा हो जाता है कि सेकंड पार्ट पढ़ते, पढ़ते पढ़ते आप सो ही जाओगे तो फर्स्ट पार्ट में मेन क्या है जो क्रिश्चियन है वो एक सेंट्रल कैरेक्टर है फिगर है और एलगरी का फॉर्म है इसमें कि जो नरेटर है इस टेक्स्ट बुक का वो सो जाता है और उसके बाद वो एक सपना देखते एक ड्रीम देखते हैं और उस ड्रीम में वो क्या देखता है एक पर्सन को देखता है जिसका नाम क्रिश्चन है और उसके जो बैक है उस पर एक बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन रखा हुआ है और ये जो बर्डन है वो क्या शो करता है ये शो करता है उसके सेंस को कि जो उसने पाप किए हैं वो शो कर रहा है और वो उस बर्डन के साथ आगे बढ़ेगा तो स्टोरी यहीं से शुरू हो जाती है कि जो बन, जो नारेक्टर है वो देखता है कि जो क्रिश्चन है वो अपने एक बहुत ज़्यादा हैवी बर्डन के साथ बैठा हुआ है या फिर खड़ा है और उसके हाथ में एक बुक है और वो बुक किस चीज़ को सिंबलाइज़ कर रही है बाइबल को सम्प्राइज़ कर रही है कि वो बाइबल को सिंबलाइज़ कर रही है कि उसके हाथ में बाइबल है बाइबल पढ़ने के बाद उसे पता चला कि जो उसकी सिटी है अब सिटी का नाम आप देखिए सिटी का नाम है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन तो जो सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन है उसे पता चलता है कि यहाँ पर थोड़े दिनों में आग लग जाएगी क्योंकि ऐसा गॉड जो है वो यहाँ पर आग को भेज देंगे फायर सेट कर देंगे एंड देन देंग जितने भी लोग हैं वो सारे, सारे यहाँ पर पैरिश हो जाएंगे मर जाएंगे अब इस क्यों मर जाएंगे क्योंकि उनके जो सेंस है वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं तो वो सोचता है कि वो अपनी वाइफ को बताएगा अपने बच्चों को बताएगा एंड देन जब वो ये चीज़ें अपने घर वालों को बताता है कि ऐसा होने वाला है चलो यहाँ से भाग चलते हैं तो वो उस चीज चीज़ पे उसका मजाक उड़ाते हैं और सोचते हैं कि इसे फीवर हो गया है इसे सुला देते हैं दवाई खिलाकर तो नेक्स्ट डे जब वो दोबारा से बुक पढ़ रहा होता है तो उसके सामने एक पर्सन आता है उसका नाम है इवेंजलिस्ट अब वो आता है और वो बोलता है कि तुम क्यों रो रहे हो तो ये बताता है कि मैंने ऐसा ऐसा सुना है इस बाइबल में पढ़ा है इस बुक में पढ़ा है पर्टिकुलर कि ये सिटी जो है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन जल जाएगी लेकिन मेरी फैमिली मेरे पास जा नहीं रही है और मुझे ये नहीं पता कि कहाँ पे जाऊँ यहाँ से बचकर मैं कहाँ पे जाऊँ तो वो बोलता है कि सामने देखो वहाँ पे जो विकेट गेट है वो दिखेगा तुम वहाँ पे चले जाओ ये जो सन की किरणें हैं सूरज की किरणें हैं इनको फॉलो करते हुए चले जाओ अब वो अपने घर में जाता है एक बार दोबारा बोलता है पर कोई नहीं सुनता तो वो भागना शुरू कर देता है अब उसके घर वाले उसे आवाज़ लगाते हैं कि रुक जा पर वो नहीं रुकता उसके पड़ोसी उसे पागल बोलने लग जाते हैं कि वो भाग रहा है पर फिर भी वो रुकता नहीं अपने उंगलियों को कानों में डालता और भागता हुआ चला जाता है अब उसके जो दो नेबर होते हैं वो बोलते हैं कि हम इसे वापस लेकर आएंगे लेकिन ऐसा होता नहीं वो उसके पीछे पीछे जाते हैं अब इनका नाम है प्लेबल एंड ऑब्स्टिवल या सो yeah, so, वो दो जो उसके नेबर होते हैं वो उसके पीछे पीछे जाते हैं तो क्रिश्चियन जो है वो उन्हें बताता है कि मैं वापस नहीं जाऊँगा क्योंकि वो जो सिटी है वो डिस्ट्रक्शन में होने वाला है उसका वो डिस्ट्रिक्ट हो जाएगी आग लग जाएगी वहाँ पर और जो आगे की सिटी है जहाँ पर वो जा रहा है मतलब विकेट गेट है वो बहुत ज़्यादा प्रॉमिसिंग है गॉड इसे माफ कर देंगे ये सब चीज़ें तो इसके बाद जो ऑब्स्टिवेट है वो वहाँ से चला जाता है ये बोल के कि बहुत ज़्यादा चाइल्डिश चीज़ है वो इन चीज़ों पर बिलीव नहीं करता लेकिन जो प्लेएबल है वो बिलीव कर लेता है कि हाँ वो आगे ऐसा कुछ होगा क्रिस्टल चीज़ें मिलेंगी उसे उसे भी आगे कुछ ग्लोरी मिल जाएगी वो उसे फॉलो करने लग जाता है अब आगे वो जब दोनों जा रहे होते हैं क्रिश्चन और प्लेएबल तो वो एक बॉग में गिर जाते हैं एक गड्ढे में गिर जाते हैं और वो गड्ढा जो होता है वो दलदल होता है अब दलदल में गिरने के बाद क्या होता है कि दोनों ही उसमें घुसने लग जाते हैं तो जो प्लेएबल है वो बोलता है कि क्या यही वो चीज़ थी ग्लोरी चीज़ थी जिसके बारे में तुम इतना बखान कर रहे थे बता रहे थे क्या इसी चीज़ के लिए हम अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे थे तो वो बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाता है उसके बाद वो वहाँ से निकल वापस अपने घर चला जाता है क्रिश्चन जो है वो अभी भी उसी जो बॉग है दलदल है उसमें फंसा हुआ है अब इस बॉग का नाम था स्लॉग ऑफ डिस्पॉन्ड तो वो यहीं पे फंसा रहता है तो थोड़ी देर बाद एक पर्सन आता है उस पर्सन का नाम है हेल्प अब आप देख रहे होंगे कि ये एलगोरिकल वर्क क्यों है क्योंकि एक तरफ एक तरह तो यहाँ पर दिखा रखा है एक, एक इंसान जो है उसकी जर्नी को लेकिन दूसरी तरफ उसमें कुछ सेकेंडरी मीनिंग भी है जिसे हेल्प किसी इंसान का नाम नहीं है लेकिन वो आता है और उसकी मदद करता है बॉग से उसे निकाल देता है अब आगे उसे एक वा वर्ल्डली वाइसमैन मिल जाता है तो वो उसे बोलता है कि जहाँ पे तुम जा रहे हो विकेट गेट की तरफ जा रहे हो उसे कुछ भी नहीं होगा और ये जो तुम्हारा जो एक बर्डन है ये तो वैसे भी निकल जाएगा वो उसे एक दूसरी जगह पर डाइवर्स कर देता है कि तुम वहाँ चले जाओ वहाँ से तुम्हारा काम हो जाएगा देन वहाँ पे जाके वो डाइवर्स हो जाता है उसे पता चलता है कि ये बिल्कुल भी जो एरिया है वो सही नहीं है थोड़ी देर बाद उसका जो बर्डन है वो हैवी होने लग जाता है उसे रियलाइज होता है कि उसे फंसा दिया गया है उसके बाद फिर से वेंचलिस्ट एक बार दोबारा से आता है उसे बताता है कि जो वर्ल्डली वाइसमैन है वो लोगों को सिर्फ जो वर्ल्ड में चीज़ें होती हैं उनके बारे में बताता है जो कि लस्टफुल है या फिर जो सिनफुल है उनके बारे में और गॉड से उन्हें कहीं ना कहीं दूर करने की कोशिश करता है तो जो इवेंजलिस्ट है वो एक बार दोबारा से उसे उसके राइट right पाथ पे ले जाता है एंड देन वहाँ से वो अपनी जर्नी को फिर से स्टार्ट करता है अब विकेट गेट में जाने के बाद जो क्रिश्चन uh, है उसे एक पर्सन मिलता है उसका नाम है गुडविल गुड से बता रहा होता है कि यहाँ पर जो बैलजीब है उसका भी एक यहाँ पर एक पैलेस है उस पैलेस का नाम है डेलीवरेंस और वहाँ पर क्रॉस जो है वो लगा हुआ है वो बताता है कि बेलजीब जितने भी लोग यहाँ पर आते हैं उनके ऊपर अटैक करता है क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो लोग हैं वो क्रिस्चानिटी को आगे फॉलो करें सेलवेशन के जो रास्ता है उसके ऊपर आगे बढ़े देन वो जाता है एक दूसरे जगह पे जिसका नाम है जिस जगह का नाम है इंटरप्रेटर्स हाउस वो वहाँ पर जाता है उसे वहाँ पर अंदर अलाउ कर लिया जाता है जब वो बताते हैं कि उसे इवेंजलिस्ट ने भेजा है अब जो इंटरप्रेटर है उस घर का वो उसे कुछ चीज़ें दिखाना शुरू करता है फर्स्ट वो उसे दिखाता है एक पिक्चर उस पिक्चर में एक पर्सन होता है उसके हाथ में बाइबल होती है और वो हेवन की तरफ देख रहा होता है तो ये दिखा रहा है कि जो क्रिश्चियनिटी है उसको शो कर रहा है कि आपके हाथ में दो ही चीज़ें होनी चाहिए चीज़े, एक तो बाइबल होनी चाहिए दूसरी आपके पास होना चाहिए कि आपका गॉड में बिलीव होना चाहिए जो कहा है वो हैवन में दूसरा वो उसे लेके जाता है एक डस्टी पार्लर में उसका नाम है डस्टी पार्लर यहाँ पर दिखाया गया है कि डस्ट के ऊपर अगर पानी फेंका जाता है तो डस्ट और ज़्यादा बढ़ जाती है अगर उस पर उसको धूल हटाई जाती है तो डस्ट बढ़ जाती है आपको चोक कर देती है और अगर उसके ऊपर होली वाटर फेंका जाता है तो वो आराम सेटल डाउन हो जाती है और तीसरी चीज़ जो होती है वो दो चिल्ड्रन दिखाए जाते हैं एक पैशन एक पेशेंस एक पैशन है एक पेशेंस है जो पैशन है वो बहुत ज़्यादा वो अर्थली चीज़ों को शो कर रहा है जो पेशेंस है दिखाया गया है जिसमें भी पेशेंस है उसे लास्ट में रिवॉर्ड ज़रूर मिलता है फोर्थ वो पहुँचते हैं गेट ऑफ ग्रेस पे गेट ऑफ ग्रेस पे वो देखते हैं कि जो एक आग जल रही है और उस आग में जो डेविल है वो वाटर डाल रहे हैं बुझाने के लिए लेकिन जो क्राइस्ट है वो छुप उसमें ऑयल डाल रहे हैं कि जो क्राइस्ट है वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे हालाँकि वो दिखे नहीं लेकिन वो हेल्प करेंगे फिर उन इसके बाद उन्हें दिखते हैं एक Uh, कुछ लोग दिखते हैं जो कि गोल्ड में कवर होते हैं जो कि शो कर रहे हैं ग्लोरी को कि अगर वो सेलिवेशन में जाएंगे तो उन्हें कैसे दिखेगा मिलेगा चीज़ें कैसे मिलेंगी एंड देन डार्क रूम में लेके जाता है जहाँ पर एक आदमी आदमी जो है वो केज में होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिस्पेयर है उसने बहुत ज़्यादा सेंस किए हैं और लास्टली उसे एक ऐसे पर्सन को दिखाया जाता है जो अभी अभी बेडरूम से उठा होता है ड्रीम से और वो बहुत ज़्यादा टेरिबल हो टेरेबल होते हैं वो बताते कि जो जजमेंट नाइट थी जजमेंट जो डे था उसमें जो अच्छे लोग थे ब्लेस्ड लोग थे उन्हें हावन में डाला गया और जो डैम थे उन्हें हेल में और वो बोलता है कि जो मैं था मेरी जो फिगर है उसे हेल में डाला गया था उसके बाद जो क्रिश्चियन है वो अपनी जर्नी को आगे परस्यू करता है और आगे जाके उसे क्रॉस मिलता है एक छोटी सी हिल होती है उसके ऊपर एक क्रॉस लगा होता है और वहाँ पर जाने के बाद जो क्रिश्चियन का जो बर्डन होता है पीछे उसकी जो कमर पर बैक साइड पे वो सडनली से गिर जाता है और वो टॉम बन जाता है तो यहाँ पे क्या दिखा रहेगा कि जो क्राइस्ट का सेक्रीफाइस है फॉर द सिनर्स की जो सिनर्स हैं उनके लिए जो उनकी डेथ थी वो सिम्बलाइज की गई है और वहाँ पर एक कब्र जो बन जाती है एक टॉम्प बन जाता है वो क्राइस्ट को शो कर रहा है कि हाँ उन्होंने लोगों के लिए अपनी जान दी थी उन्होंने सेक्रीफाइस किया था अब उसके बाद उसी टाइम पे वहाँ पे तीन शाइनिंग वनस आती हैं मतलब कि एंजल्स आती हैं जो कि पहले तो उसे बोलती हैं कि जो उसके सिंस थे वो उसे माफ़ कर दिए गए हैं गॉड ने उसे माफ़ कर दिया है सेकंड वाली जो एंजल होती है वो उसे न्यू न्यूक्रॉस देती है जैसे कि पहले वो रेग्स में होता है फटे पुराने कपड़ों में होता है एंड देन जो थर्ड वाली होती है वो उसे एक रोल देती है एक सर्टिफिकेट टाइप में कि इस सर्टिफिकेट को जब तुम आगे दिखाओगे कैलेस्टियल सिटी में तो तुम्हें वहाँ पर एंट्रेंस मिल जाएगा और उसके बाद वो वहाँ से चले जाती हैं अब इसके बाद उसे तीन आदमी दिखते हैं जो कि सो रहे होते हैं और उनकी जो एंकलेट है वो आपस में बंद ही होती है इनका नाम है इग्नोरेंट फॉर्मलिस्ट और हिपोक्रेसी अभी तीन लोग क्या शो कर रहे हैं जो इग्नोरेंट होते हैं या फिर जो दिखावा करते हैं तो ये तीनों लोग क्या हैं इनको आपस में इनकी एंकलेट को बांधा गया है अब यहाँ पर जो क्रिश्चियन है वो देखता है कि दो ऐसे इंसान हैं जो कि वॉल को कूद कर यहाँ पर आए हुए हैं एक तो उसने इतनी लंबी जर्नी क्रॉस करी है जैसे कि वो विकेट गेट पे गया था उसके बाद वो इंटरप्रेटर के हाउस पे गया था उसने वैली को क्रॉस किया वो क्रॉस तक पहुँचा लेकिन एक ऐसा पर, दो ऐसे पर्सन भी हैं जिन्होंने ये सारी लॉन्ग जर्नी एक डिफ़िकल्ट जर्नी को कंटिन्यू कर, नहीं किया है बल्कि वो दीवार को क्रॉस करके कूद कर यहाँ पर चले आए हैं और ये जो लोग हैं ये ऐसे लोग हैं जो ये बिलीव करते हैं कि क्या फ़र्क पड़ता है हम आने से मतलब है कि तुम यहाँ पे पहुँच गए ये फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम कैसे पहुँचे हो अब आगे जाने के बाद जो क्राइस्ट Christ, क्रिश्चियन है उसे एक हिल मिलती है हिल ऑफ़ डिफ़िकल्टी यहाँ पर वो देखता है कि एक हिल है तो हिल के दोनों तरफ एक तरफ डेंजर एक तरफ डिस्ट्रक्शन है और कोई भी और जो दो लोग थे जो ये बोल रहे थे कि ये फ़र्क नहीं पड़ता कैसे आए हो तो वो दोनों लोग दोबारा कभी दिखाई नहीं दिए इसका मतलब क्या है कि जिसके मोटिव गलत है वो आगे नहीं पहुँच पाएगा जो एक एक स्पिरिचुअल पाथ को तय करके पहुँचा है वहाँ तक सिर्फ उसी को आगे जो सिटी है या फिर जो हेवन है उसमें एंट्रेंस मिलेगा आगे जो क्रिश्चियन है वो उस हिल को क्लाइंब करता है वो हाफ वे में जब वो होता है तो वहाँ पर एक आरबॉट मिलता है जो रेस्ट करने का एरिया है तो ये दिखाया गया है पिलग्रिम को कि जो लोग पिलग्रम पे जाते हैं पिलग्रमेज पे जाते हैं जैसे कि जो उनकी पवित्र जो जर्नी होती है गॉड के लिए या फिर किसी भी श्राइन के लिए तो उस टाइम पे उन्हें कितनी डिफ़िकल्टी होती है तो उस डिफ़िकल्टी के बीच में उन्हें एक एक रेस्ट करने का एरिया भी मिला होता है तो यहाँ पे दिखा करके जो क्रिश्चियन है वो वहाँ पर जाता है और गलती से वहाँ पर सो जाता है तो उसके सोने की वजह से जो उसका रोल है जो एक सर्टिफिकेट उसे मिला था वो उसको खो जाता है और उसके बाद जब वो उठता है तो उसे लगता है कि वो गॉड में बिलीव नहीं कर रहा है अब या फिर जो उसकी सिचुएशन है वो अलग हो गई है उसका जो बिलीव है वो थोड़ा थोड़ा हिलने लग गया है तो ये शो कर रहा है कि अगर जब आप पिलग्रिम पर जाते हो तो आपको आप जो आपका माइंड है ये बिल्कुल ही शार्प होना चाहिए कंसंट्रेट होना चाहिए किसी भी चीज़ में बाहर की चीज़ों में नहीं आना चाहिए क्योंकि अगर आपने छोटी सी भी कोई मिस्टेक करिए उसके बाद सिंपली आपका जो फेथ है वो टूट जाएगा गॉड के ऊपर उसके बाद जो क्रिश्चियन है उसे दोबारा से वो वो जो उसका रोल है वो मिल जाता है और उसके बाद वो अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है आगे वो जाता है एक ब्यूटीफुल पैलेस में पैलेस ब्यूटीफुल अब यहाँ पर एक पोर्टर होता है वो उसे बताता है कि यहाँ पे जो लॉइन है बीच रास्ते में दो लाइन खड़े होते हैं वो उसकी जो फेथ है गॉड के ऊपर उस चीज़ को टेस्ट करने के लिए है और जो क्रिश्चियन है वो उस चीज़ को क्लियर कर लेता है उस फेथ क्योंकि उसके अंदर जो फेथ है गॉड के लिए वो बहुत ज़्यादा है तो उसे बिल्कुल भी कोई हार्म नहीं करता है अब आगे उसे एक लड़की मिलती है जो पॉडर है वो एक लड़की को बुलाता है वो बोलता है कि ये लड़की डिसाइड करेगी कि तुम्हें इस जो पहले से इसमें एंट्रेंस मिलेगा या नहीं मिलेगा अब इस लड़की का नाम है डिस्क्रेशन जो जिस जिसका मतलब होता है माइंड या फिर बुद्धि तो वो अपनी तीन और सिस्टर्स को बुलाती है जिसका नाम है पीटी या फिर प्रूडेंस और चैरिटी ये तीनों आँख के अलग अलग क्वेश्चन पूछती हैं अब जो पीटी है वो बोलती है कि तुम पिलग्राम क्यों बने तो वो बताता है कि अपनी पूरी लाइफ को बता देता है कि कैसे कैसे वो यहाँ तक पहुँचा है सिटी ऑफ डिस्ट्रक्शन से यहाँ तक प्रूडेंस उनसे पूछती है कि क्या उसने कभी अपनी कंट्री को मिस किया या नहीं किया वो कहते कि हाँ कभी किया था लेकिन ऐसा नहीं है वो डिस्ट्रिक्ट होने वाले तो उसने नहीं किया चैरिटी जो है वो वो पूछती है कि आप वो अपनी वाइफ को या फिर फैमिली को मिस करता है वो बोलता है कि हाँ वो मिस करता है इसका मतलब क्या है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आप पिलग्रिम पे जा रहे हो तो आपको अपनी जो वर्ल्डली चीज़ें हैं उनको बिल्कुल ही छोड़ देना चाहिए या फिर छोड़ देना पड़ेगा ऐसा तो नहीं है बस आपका फेथ होना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि आपकी चीज़ें छोड़नी पड़े वो आगे बढ़ता है तो उसे एक डिलेक्टेबल माउंटेन मिलता है यहाँ पर जो सिस्टर्स होती है वो उसे एक आर्मर स्वॉर्ड देती हैं ताकि आगे वो जाकर कहीं पर भी फंसे नहीं और जो पोर्ट्रेट है वो बताता है कि आगे जो फेथफुल है वो अभी अभी यहाँ से गया है फेथफुल भी एक पर्सन का नाम है जो कि आगे एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा अब आगे वो जाता है तो उसे वैल्यू ऑफ ह्यूमिलियशन मिलती है यहाँ पर उसे एक पर्सन मिलता है जो एक शैतान है मतलब कि एक ड्रैगन है जिसका नाम है अपोलियन तो ये जो अपोलियन है ये एक फॉलन एंजल है मतलब कि एक डेविल समझ लीजिए जिसे न्यू टेस्टिमेंट पर शो किया गया है वो बोलता है क्रिश्चन को कि तुम गॉड को जो प्रिंस है उसे छोड़ दो क्योंकि जो प्रिंस और जो उसके सर्वेंट हैं दोनों का जो रिलेशन है वो अच्छा नहीं है जो प्रिंस है मतलब कि जो गॉड है जो, जो सर्वेंट है जो उनको फॉलो कर रहे हैं जैसे कि क्रिश्चन फॉलो कर रहा है क्योंकि जो गॉड है जो प्रिंस है वो अपने सर्वेंट्स को अच्छे से ट्रीट नहीं करेंगे इसकी जगह वो अपोलियन के साथ आ जाए क्योंकि ये उसे बहुत अच्छे से ट्रीट करेगा लेकिन जो क्रिश्चन है वो बोल देता है कि वो ऐसा नहीं करेगा पहले वो उसी का सर्वेंट था लेकिन अब उसने छोड़ दिया है अब दोबारा से अपोलिन एक बार फिर से अप्रोच करता है कि जो क्राइस्ट है वो बहुत ज़्यादा जो मिस्टेक्स है उन सब चीज़ों को दिखाता है लेकिन बताता है कि तुमने कितनी सारी मिस्टेक्स करी हैं अपनी ज़िंदगी में तो जो क्रिश्चियन है वो बोलता है कि उसे उस चीज़ों के लिए माफ़ कर दिया गया है जितनी भी डिफ़िकल्टी हुई थी उसको रास्ते में आते टाइम वो सब चीज़ें भी कंसिडर करके वो बता देता है कि गॉड ने उसको माफ़ कर दिया है उसको फॉगिविडेंस मिल गई है उसके सिंस के लिए इसके बाद जो पोलिन है वो बहुत ज़्यादा गुस्से में हो जाता है और वो एक डार्ट निकालता है मतलब कि जो स्वाड टाइप में होता है और एक फाइट से स्टार्ट कर देता है क्रिश्चियन उसको वॉन्डेड कर देता है क्योंकि उसके पास गॉड का बिलीव है फेथ है तो ऑब्वियसली उसे हरा देगा और उसके बाद उसे उसके वड्स को ठीक करने के लिए एक हाथ आता है और वो उसे कुछ लीव्स देता है उसके बाद उसके जो वोंड्स हैं वो ठीक हो जाते हैं अब क्रिश्चन अपनी जर्नी को फिर से कंटिन्यू करता है आगे उसे शेडो ऑफ डेथ मिलती है एक वैली का नाम है वहाँ पर उसे दो लोग मिलते हैं जो भाग रहे हैं उल्टी तरफ ये बोलते हुए कि आगे की वैली में मत जाओ क्योंकि आगे जो बहुत ही ज़्यादा भद्दी और डरावनी आवाज़ें आ रही हैं क्रीचर्स भी बहुत ज़्यादा फीसम हैं लेकिन उसके एक तरफ राइट साइड में डीप डिच है लेफ्ट साइड में एक बहुत ज़्यादा बॉटमलेस पिट है ऐसे ही रात बीत जाती है जब दिन आता है तो दिन में पता चलता है कि वैली और भी ज़्यादा डरावनी दिन में हो जाती है क्योंकि गेव वहाँ पे दो तरीके से एक केव है वहाँ पर और केव में दो जाइंट हैं जैसे उनमें से एक का नाम है पोप और एक का नाम है पैगन तो क्राइस्ट जो क्रिश्चियन है उसे कोई भी फॉलो नहीं कर पाता है क्योंकि जो पोप है वो बहुत ज़्यादा ओल्ड है और जो पैगन है वो ऑलरेडी डेड है वो आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करता है और यहाँ पर उसे फेथफुल मिल जाता है जिसको थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि वो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर बनेगा अब फेथफुल और जो क्रिश्चियन है वो दोनों अपनी अपनी जो कहानी है या फिर जो उनकी पिलग्रम की जो स्टोरी है वो कंटिन्यू करते और बताते हैं जर्नी को तो जो फेथफुल है उसे बताता है कि उसकी जर्नी में उसे एडम द फर्स्ट मिला था हिल जो आ, हिल डिफिकल्टी में वो बताता है कि वो जो पर्सन था वो बोल रहा था कि वो ऐसा है वैसा है उसने बताया कि उसे बहुत ज़्यादा बेजिस देगा इनहेरिटेंस भी देगा उसकी तीन डॉटर्स भी हैं जिसका नाम है लस्ट ऑफ फ्लैश लस्ट ऑफ़ आइज एंड द प्राइड ऑफ लाइफ और वो इन तीनों में से किसी से भी शादी कर सकता है फिर तीनों से कर सकते हैं वो एक तरीके से टैम्पटेशन होता है किसी भी पर्सन को जो पिलग्रम पे जाते हैं या फिर जो गॉड में ट्रस्ट दिखाते हैं फेथ दिखाते हैं उनके लिए टैम्पटेशन का काम कर रहा है अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि जो क्रिश्चन है उससे ऐसा कोई भी बंदा नहीं मिला था और फेथफुल को ये एडम द फर्स्ट मिला था इसका मतलब ये है कि हर एक पर्सन की जो जर्नी होती है जो उसकी लाइफ है या फिर जो उसकी जर्नी है टू वार्ड्स द सेलिवेशन वो डिफरेंट होती है किसी की भी सेम सेम नहीं होती है क्योंकि हर एक पर्सन की अपनी नीड्स होती हैं उसका अपना अटैम्प्टशन होता है किसी चीज़ को कोई किसी पर्सन को कोई चीज़ अटैम्प्ट करती है किसी को कुछ और अटैम्प्ट करती है तो हर एक पर्सन की अपनी इंडिविजुअलिटी है इसी हिसाब से उन्हें अलग अलग कैरेक्टर्स मिलते हैं अब वो बताता है फेथफुल बताता है कि उस चीज़ को मान लेता लेकिन फिर उसने रिजेक्ट कर दिया और फेथफुल बोलता है कि तुम उसे मर्जी दिखाओ तो जो एडम द फर्स्ट है वो बोलता है कि उसे नहीं पता मर्जी कैसे दिखाई जाती है अब आगे बढ़ते हैं तो जो फेथफुल है वो बताता है जो वैल्यू ऑफ ह्यूमिलिएशन है वहाँ पर उसे कौन मिला होता है वो बताते हैं कि वहाँ पे उसे प्राइड और एग, एग्नोरेंस मिले होते हैं दो पर्सन शेम भी मिला होता है तो दोनों की जो जर्नी है दोनों में जो लोग मिले हैं या फिर टेम्पटेशन मिले हैं या फिर हेल्प करने वाले मिले सब अलग अलग है अब आगे क्रिश्चियन और फेथफुल को एक टोकटिव मिलता है इसका नाम है टोकेटिव है वो आता है और बहुत ज़्यादा बातें करता है रिलीजन की स्पिरिचुअलिटी की गॉड की जीसस की लेकिन वो इन चीज़ों को अपनी लाइफ में फॉलो नहीं करता है तो जो क्रिश्चियन है वो उसे याद आता है इसके बारे में तो बताता है फेथफुल को कि इसके ऊपर ट्रस्ट मत करो क्योंकि सिर्फ बातें करता है और ये ख़ुद इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है और उसके बाद वो उसे हटा देते हैं कि हम तुम्हारे फिर जर्नी को कंटिन्यू नहीं करेंगे और वो दोनों सामने सामने जा रहे होते हैं यहाँ पर एक बार फिर से जो इवेंजलिस्ट है वो दोबारा से आता है जिसने ये बोला होता है कि तुम विकेट गेट की तरफ जाओ वहाँ पर तुम्हें सेल्यूशन मिलेगा वो दोबारा से आता है तो जो क्रिश्चियन है वो पूछता है कि आगे उन्हें क्या मिलने वाला है या फिर क्या हो सकता है तो उसे बताता है कि आगे तुम्हें टाउन ऑफ वैनिटी मिलेगा और वहाँ पे जो भी लोग जाते हैं उनमें से कोई ना कोई ज़रूर मर जाता है तो वहाँ के जो रेजिडेंट है वो बहुत ज़्यादा अलग है और वो बताता है कि तुम दो में से किसी ना किसी एक को ज़रूर मरना पड़ेगा तो यहाँ पर शो कर रहा हैं जो मेटाडम का थीम होता है कि जो भी गॉड के लिए सेक्रीफाइस करते हैं उसको शो कर रहे हैं अब यहाँ पर वो आगे बढ़ते हैं तो उन्हें मिलता है वैनिटी फ़ेयर जैसे कि एवंजलिस्ट ने बोला होता है यहाँ ये जो फेयर है ये फाइव थाउजेंड ईयर्स ओल्ड है बेलजीब और अपोलियन ने इस चीज़ को सेटअप किया था इस फेयर को यहाँ पर हर एक चीज़ बिकती है चाहे आप टाइटल ले, ले लीजिए लैंड ले लीजिए किंगडम ले लीजिए या फिर कुछ भी आपको जो भी चाहिए हर एक चीज़ इस मेले में फेयर में बिकती है आप कुछ भी ले सकते हो यहाँ पर ये फेयर इसलिए लगाया गया था क्योंकि जो लोग आते हैं कि स्पिरिचुअल जर्नी में पिलग्रिम में तो उनको टैम्प्ट करने के लिए कि तुम्हें कुछ ना कुछ तो ऐसा होगा जो तुम्हें चाहिए होगा अगर तुमने कोई भी चीज़ ले ली तो ऑब्वियसली जो आपकी जर्नी है वो बेकार हो गई क्योंकि आप टैम्प्ट गए उस चीज़ में और जो आपका फेथ था वो टूट गया अगर जो क्रिश्चियन है और जो फेथ है दोनों आगे जाते हैं और बोलते हैं कि हमें कुछ भी नहीं चाहिए हमें सिर्फ ट्रुथ चाहिए सच्चाई चाहिए तो वहाँ पर जो किंगडम के लोग हैं या फिर जो फेयर के लोग हैं रेजिडेंट्स हैं वो उन्हें पीटते हैं उनके ऊपर केस कर देते हैं किसने हमारे कल्चर का मजाक उड़ाया है ये और वो उसके बाद जो हेड गुड है वो तीन विटनेस को लेके आते हैं वो बोलते हैं कि इसने क्रिस्चैनिटी का फॉलो करते हैं तो इन्होंने हमारा जो वैनिटी का कल्चर है उसका मजाक उड़ाया इसे डिफरेंट बोला है और लास्टली जो फेथफुल है उसे बोल दिया जाता है कि उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा उसको बर्न कर दिया जाता है उसके बाद जो उसकी एशेज़ होती हैं उसकी जो राख होती है फटाफट से तभी एक चैरियट आती है एक रथ आता है जो उसकी जो एशेज़ होती है उसे लेके हेवन में चले जाते हैं यहाँ पर क्या शो कर रखा है कि जो गॉड के फेथ के लिए मरता है जो अपनी सेक्रीफाइस करा है जैसे कि क्राइस्ट ने सेक्रीफाइस किया था फॉर द सीस ऑफ द अदर्स तो वो सब हेवन में जाते हैं तो जो फेथफुल है वो भी हेवन में चला जाता है अब इसी के बाद जो वहाँ के लोग थे फेयर के लोग थे उन्होंने भी थोड़ा थोड़ा सोचना शुरू कर दिया कि कोई पर्सन अपने शेख जो उसका फेथ है उसके लिए मर सकता है और इसी में से एक पर्सन है होपफुल जो कि पहले वैनिटी फेयर का एक मेम्बर था एक वहीं का रहने वाला था लेकिन अब वो वो भी क्रिश्चियन की फात हो जाता है कि उसे भी सेलिब्रेशन के लिए जर्नी कम्प्लीट करनी है एंड देन उसके बाद वो दोनों आगे अपनी जर्नी को कंटिन्यू करते हैं और जो क्रिश्चियन है वो उसे भगा देते हैं कि हम तुम्हारे साथ नहीं जाएंगे हम अकेले अपनी चीज़ों को कंटिन्यू करेंगे और वो जो बाय एंड है वो मनी लवर जो होते हैं जो ऐसे लोग होते हैं उनके साथ जाके अपनी एक ग्रुप बना लेता है उसके बाद जो होपफुल है और जो क्राइ है वो दोनों आगे जाते हैं उन्हें एक सिल्वर माइन की हिल मिलती है जिसका नाम है ल्यूक्रे में भी इसकी प्रोनान्सिएशन कुछ अलग हो एल यू सी आर ई इसका मतलब होता है मनी तो यहाँ पर वो जाते हैं एक डेमन है वो बोलता है कि आओ तुम भी यहाँ पे कुछ डिग कर लो खोदो यहाँ पे तुम्हें खजाना मिलेगा लेकिन ये दोनों मना कर देते हैं कि हमें नहीं चाहिए और आगे जब वो जाते हैं तो वो देखते हैं कि एक मोन्यूमेंट खड़ा हुआ है इस पे आगे लिखा हुआ है लॉर्ड्स वाइफ तो इन्हें पता चलता है कि जो लॉर्ड्स की जो वाइफ थी जो पत्नी थी वो आई थी और जब उसने इस चीज़ को मान लिया था और वो खोदने लग गई थी डिक करने लग गई थी तो उसे लास्टली के स्टैचू में कन्वर्ट कर दिया था गॉड ने तो वो सोचता है कि अच्छा उन्होंने इस चीज़ को अलाउ नहीं किया अटैम्प्ट नहीं हुए नहीं तो इनकी भी हालत सेम ही हो जाती आगे वो दोनों फिर से आगे जाते हैं वॉक करते हैं वो देखते हैं एक प्रेजेंट रिवर मिलती है उन्हें वहाँ पे फ्रूट्स होते हैं तो वो वहाँ पे सोचते हैं कुछ दिन हम वहीं पे सो जाएंगे वो वहीं पे कुछ दिन रहते हैं और उसके बाद वो देखते हैं बायपाथ को बायपाथ एक मेड्यू का एरिया है मतलब घास फूस का एक अच्छा सा मैदान है वहां पर वो वेन कॉन्फिडेंस से मिलते हैं ये भी एक पर्सन का नाम है वेन कॉन्फिडेंस है वो एक गड्ढे में गिर जाते हैं जिसके बाद यहाँ पे स्ट्रॉमर फ्लड आने लग जाते हैं तो जो क्रिश्चन है वो माफ़ी मांगता है कि हाँ उसने गलत पाथ को चुना है उसके बाद उन्हें एक बार फिर से वो एक जगह पे बैठते हैं और वहाँ पर उन्हें नींद आ जाती है और वो जिस जगह पे सो रहे होते हैं वो होता है जॉइंट डिस्पेयर का और वो अपने से कासल का नाम होता है कासल ऑफ डाउटिंग तो वो उनको उठाता है और अपने कासल के अंदर जाकर प्रिजन में डाल देता है उसकी जो वाइफ है उसका है डेफिडेंस तो वो बोलती है कि इनको पीटा पीटा जाए तो जो उसका हस्बैंड है वो उसे पीटना शुरू कर देता है कुछ नहीं होता इन्हें बहुत ज़्यादा पीटा जाता है वो अपनी वाइफ से पूछता है कि अब मैं इनका क्या करूँ उसकी वाइफ बोलती है कि इन्हें बाहर लेके जाओ और इन्हें दिखाओ उन लोगों की हड्डियाँ बोन्स जिन्हें हमने मारा है फिर भी इनके साथ कुछ नहीं होता फिर वो बोलती है कि इनको इस चीज़ के लिए वो करो कि सुसाइड कर ले क्योंकि सुसाइड जो है वो क्रिस्चानिटी में बहुत बड़ा सिन है जो भी सुसाइड करता है उसे कभी भी सैलवेशन नहीं मिलती रिडेम्पशन नहीं मिलती है लेकिन इन दोनों रिजेक्ट कर देते हैं और उसके बाद सडनली क्रिश्चियन को एक विजन आता है उसे याद आता है कि उसके पास इस केज की के जो की है वो है उसका नाम है प्रॉमिस क्योंकि जो गॉड का प्रॉमिस था कि हम तुम बचा लेंगे एक सेलवेशन का एक प्रॉमिस होता है तो वो उस की को उठाता है और खोल देता है अपना जो प्रिज़न होता है उस प्रिज़न से निकलने के बाद ये जाते हैं एक डिलेक्टेबल माउंटेन में जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर होता है वहाँ पे हवाई चल रही होती है बर्ड्स होते हैं वहाँ पर जाने के बाद ये शेफर्ड से मिलते हैं जो भेड़ वाले भेड़ को लेके यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं शेफर्ड्स उनसे मिलते हैं वो उन्हें रेस्ट और स्लीप ऑफर करते हैं और उसके बाद बताते हैं कि यहाँ पर माउंटेन ऑफ एरर भी है यहाँ पर माउंटन ऑफ कैशन भी है और हेल भी है यहाँ पर देखा जा सकता है और उस हेल में जूडस भी है क्योंकि जूडस ने जीसस को बिट्रे किया था और लास्ट में उसे लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि दूर कहीं पे कैलेस्ट्रियल जो सिटी है वो दिख रही है चमकती हुई जो कि इनका लास्ट टारगेट था लास्ट इनकी प्लेग्रूम की जर्नी का ख़त्म हो जाएगा वहाँ पर जो कि शो करता है हेवन को और वो बोलते हैं जो शेफर्ड है वो बोलते हैं कि तुम्हें अपनी जर्नी में दो चीज़ों से सावधान रहना है एक तो जो इंचैंटेड ग्राउंड है और दूसरा तुम्हें सोना नहीं है और तीसरा तुम्हें फ्लैट्रेट से सावधान रहना है एक पर्सन का नाम है उसे सावधान रहना है आगे जाने के बाद इन दोनों को एक पर्सन और मिलता है जिसका नाम इग्नोरेंस है इग्नोरेंस के पास एक रोल नहीं सर्टिफिकेट नहीं है जैसे कि क्रिश्चन को स्टार्टिंग में दिया था कि ये दिखाने पे तुम्हें एंट्रेंस मिल जाएगा तो वो बोलता है कि उसे पता है कि उसे मिल जाएगी एंट्रेंस बिना सर्टिफिकेट के क्योंकि उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छे अच्छे काम किए हैं वो मोरली गुड है उसने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो इसीलिए उसे लगता है कि हाँ ये सब उसको एंट्रेंस मिल जाएगी लेकिन उसके पास है नहीं एंट्रेंस के लिए सर्टिफिकेट तो वो दोनों अलग अलग चले जाते हैं इग्नोरेंस अपना अलग से रास्ता देख लेता है अब आगे वो देखते हैं कि जो हल्का गेट है उस पर देखता है उस कि कैसे लोग वहाँ पे घूम रहे हैं जिन्हें डामिनेशन मिली है हल्के है गेट के ऊपर अब उसके बाद बात आती है जो क्राइस्ट जो क्रिश्चन है और जो होपफुल है वो दोबारा से इंटरसेक्शन पर आते हैं कि कहाँ जाएँ कहाँ ना जाएँ उसके बाद एक पर्सन आता है और बोलता है कि चलो मैं तुम्हें रास्ता दिखा देता हूँ वो चले जाते हैं और ये पर्सन होता है फ्लैटर जिसके बारे में शेफर्ड्स ने वार्न किया होता कि तुम उनके पास नहीं जाओगे लेकिन वो चले जाते हैं और वो उन्हें ले जाके एक जगह पे फंसा देते हैं उसके बाद जो शाइनिंग वन है जो एंजल है वो आती हैं और वो इन्हें डांटती हैं कि तुमने जो शेफर्ड्स की कर, वो वार्निंग थी तुमने उसे याद नहीं रखा देखा नहीं और इसलिए तुम यहाँ पर फंस गए वो उसे निकालते हैं दोबारा से और उनके जो उनकी जो सही जर्नी होती है वहाँ पर लाकर धर देते हैं अब इसके बाद जो लोग हैं वहाँ से देख सकते हैं कि जो क्रिस्टल सिटी है वो दिख रही है लेकिन यहाँ पर इन दोनों को होपफुल को और क्रिश्चियन को ऐसे लोग मिलते हैं एथिस्ट जो होते हैं वो बोलते हैं कि यहाँ पे हम 20 सालों से घूम रहे हैं लेकिन अभी तक हमें वो सिटी दिखाई नहीं दी है इसका मतलब क्या है कि अगर हो सकता है आप बहुत जाओ उस जर्नी पे लेकिन अगर आपके अंदर फेथ नहीं है आप एथिस्ट हो आप गॉड में बिलीव नहीं करते हो देन ऑब्वियसली आपको कुछ भी दिखाई नहीं देगा क्योंकि जो चीज़ें हैं वो तब दिखती जब आपके अंदर बिलीव है आप उस चीज़ को देखना चाहते हो ऐसा नहीं कि आप बस पहुँच गए किसी भी तरीके से अपने पर्सनल कुछ बेनिफिट्स के लिए आगे जो होपफुल है और जो क्रिश्चियन है वो आगे जाते हैं इन चैड ग्राउंड आता है जिसके बारे में उन्हें वॉर्न किया गया होता है यहाँ के जो एयर होते हैं बहुत ज़्यादा ड्राउजी होती है सुलाने वाली होती है तो होपफुल बोलता है चलो हम थोड़ा रेस्ट कर लेते हैं लेकिन क्रिश्चन को चीज़ें याद हैं क्योंकि एक बार फंस चुका है क्योंकि अब उसे याद है कि जो शेफर्ड है उन्होंने वार्निंग दी थी कि यहाँ पे सोना नहीं है तो वो बोलता है कि चलो तुम अपनी जर्नी को सुनाओ तुम यहाँ पर कैसे आए कि तुम एक पिलग्रम कैसे बने तो बताता है जो होपफुल है वो बताता है कि वो एन फेयर में हुआ करता था लेकिन उसने जो बहुत सारे पाप किए हैं सेंस किए हैं वो अपने सिन को काउंट करने लग जाता है उसके बाद वो बताते हैं कि जब फेथफुल मर रहा था जिसको वहाँ पे मारा गया था उस वैनिटी फेयर में उसने उससे पहले होपफुल को एक बाइबल दी थी और उस बाइबल में उसने जब पढ़ा तो उसने देखा कि हर एक पर्सन को क्राइस्ट जो है माफ़ कर देते हैं लेकिन होपफुल सोचता है कि उसने बहुत ज़्यादा सेंस किया है उसे क्राइस्ट माफ़ नहीं करेंगे फॉरगेट नहीं होगा वो उनके जो सिन है उसे फॉरगेट फॉरगेट नहीं किया जाएगा नहीं किया जाएगा उसे फॉरगिव नहीं किया जाएगा तो जो क्राइस्ट एक विजन देते हैं उसे सपने में आते हैं कि ऐसा नहीं है हर एक पर्सन को यहाँ पर फॉग मिल जाती है बस तुम्हारे अंदर फेथ होना चाहिए तुम चले आओ तो वो चला जाता है वहाँ पर वो बताता है कि जो उसका हार्ट है वो बोलता है कि एंट्रेंस उसे मिल एक बार फिर से यहाँ पर एक इग्नोरेंस आता है जो बोल रहा था कि उसे एंट्रेंस मिल जाएगा बिना सर्टिफिकेट के वो बोलता है कि उसका दिल बोल रहा है एंट्रेंस मिल जाएगी उसका दिल कभी भी उसे रिसीव नहीं करेगा धोखा नहीं देगा लेकिन यहाँ पर जो क्रिश्चन है वो बोलता है कि जो हार्ट है वो डिसीव कर सकता है क्योंकि जो हार्ट है वो एविल होता है क्योंकि हार्ट में सबसे पहले डिजायर से स्टार्ट हो जाती है और उसके बाद वो आपको सेलवेशन से दूर कर देती है आगे चलने के बाद जो क्रिश्चियन है और जो होपफुल है उन दोनों को एक एक सिटी दिखाई देती है और वो इसे देख के इतने ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि वो सिक हो जाते हैं यहाँ पर दो शाइनिंग सोल्स आती हैं और बोलती हैं कि तुम्हें इस सिटी को क्रॉस करना पड़ेगा इसके बीच में एक रिवर होती है तुम्हें उस रिवर को क्रॉस करना पड़ेगा इस रिवर की जो गहराई होगी वाटर की जो डीपनेस होगी चीज़ पर डिपेंड करती है कि तुम्हारा फेथ कितना है गॉड के अंदर अगर तुम्हारा फेथ है तो जो वाटर है वो बिल्कुल भी तुम्हें अंदर नहीं डुबाएगा लेकिन अगर तुम्हारा फेथ नहीं है तो तुम इसमें सिंक हो जाओगे तो जो क्रिश्चन है वो सो पहले तो सिंक होने लग जाता है लेकिन जो होपफुल है वो अश्योर करता है कि ऐसा नहीं है उसे क्राइस्ट के बारे में बाइबल के बारे में याद दिलाता है दोनों ही उस चीज़ को क्रॉस कर लेते हैं उसको क्रॉस करने के बाद वो देखते हैं कि जो क्लिस्टियल सिटी है कैलिस्ट्रियल सिटी है चमकता हुआ एक शहर है जो कि हेवन है वो एक बड़ी सी हिल के ऊपर है और वहाँ पर अब देखते हैं वो कि हमारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं है कपड़ों का जो उन्होंने अब तक, अब तक कपड़े पहने हुए थे तो उसका कोई बर्डन नहीं है वो पहाड़ों पे या फिर जो क्लाउड्स है उससे होते हुए आगे जाते हैं जब वो जाते हैं हेवन है है के गेट पे तो जो हेवन का जो गु... होस्ट होता है जो होस्ट वहाँ पे होता है और बहुत सारे लोग उन्हें वेलकम करने के लिए गाने लग जाते हैं आगे जाने के बाद जो वहाँ पे जो मोसिस हैं और जो एलाइजा हैं वो दिखते हैं वो वहीं पे अभी सिन में यहाँ पे हेल में घूम रहे होते हैं वो अपना सर्टिफिकेट दिखाते हैं उन्हें एंट्रेंस मिल जाती है जो किंग है वो डोर को खोल देते हैं मतलब कि जो जीसस है वो हेवन का गेट खोल देते हैं और उसके बाद जो अपीयरेंस है वो सडनली से बदल जाती है वो सडनली से गोल्ड में गोल्ड गारमेंट में ड्रेसअप हो जाते हैं उन्हें हाफ्स और क्राउन दे दिए जाते हैं और उसी टाइम पर दिखाया गया कि जो इग्नोरेंस है वो कैसे, कैसे कैसे करके रिवर को उसने क्रॉस कर लिया है कैसे भी करके लेकिन आगे आके वो बोलता है कि गेट को खोला जाए तो लोगों से मना कर देते हैं कि तुम्हारा सर्टिफिकेट खाएँ वो बोलता है कि मुझे बिलीव है मुझे बिलीव है लेकिन जो गॉड है वो मना कर देते हैं कि इसे हेल में डाल दिया जाए और जो शाइनिंग वन है वो उठा के हेल में डाल देते हैं यहाँ पर जो सिंपली जो नावल है वो ख़त्म हो जाती है इसका फर्स्ट पार्ट खत्म हो जाता है आई नो ये बहुत लंबी सी नावल है बट हाँ ठीक है अगर पढ़ने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है तो फिर पढ़ना पड़ेगा और अगर एलिगोरिकल वर्क है तो ऑब्वियसली आपको पढ़ना पड़ेगा जितने भी कैरेक्टर हैं उनके जितने भी नेम है वो सब इंपॉर्टेंस में आते हैं क्योंकि हर एक जो नाम है वो कुछ ना कुछ और सिम्बलाइज करता है अपनी फिजिकल फॉर्म को छोड़ के जो कि जर्नी को दिखाता है टूवर्ड्स द सेलिब्रेशन रिडेम्पशन की तरफ सो आई विल सी यू इन अ नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर बाय बाय